गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 की SST की नोटबुक है। आप इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का पार्ट है। आपका ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया, पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार हैं, पर्यावरण में कौन कौन सी परतें पाई जाती है, इस चैप्टर में पूरी समरी बताई गई है। पर्यावरण, पर्यावरण का होता है मतलब परिधन आवरण। इसका अर्थ है कि चारों तरफ का जो क्षेत्र, पृथ्वी के जो चारों का क्षेत्र जो घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं पर्यावरण। एनवायरनमेंट विच मीन्स टू, इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट। एक ये फ्रेंच शब्द से बना है एनवायरनमेंट, विच मीन्स टू सराउंड। इसका अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें पर्यावरण का सबसे पहला टाइप बताया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक और जैविक पर्यावरण दोनों सम्मिलित होते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मतलब भौतिक और जैविक पर्यावरण। फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। भौतिक पर्यावरण में क्या आता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग या कहेंगे एबायोटिक अजैविक घटक, जैसे कि पानी है, भूमि है, हवा है, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। इट इज आल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें जीवों के प्राकृतिक वास स्थान के बारे में बताया जाता है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैविक पर्यावरण में क्या है, जैविक पर्यावरण का एक और नाम दिया गया बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक दो टाइप होते हैं इसके एनवायरनमेंट के। इसमें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मानव की आवश्यकताएं, जो भी वस्तुएं होती हैं उसकी, और एनिमल्स, जानवर एंड इवन द माइक्रोबायोलॉजिकल और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो सम्मिलित होते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब होता है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण इज फॉर्म, ह्यूमन एनवायरनमेंट इज फॉर्म बाय ह्यूमन, मीन्स मानव पर्यावरण मानव के द्वारा बनाया गया है। इस क्रिएशन सच है, जैसे कि मानव के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, रोड्स हैं, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, पुल हैं, एक्सेट्रा आदि। एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच ही लिव। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होती हैं। उसके बाद बताया गया है मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कुछ मेजर डोमेन्स होती हैं, मुख्य श्रृंखलाएं होती हैं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, वो बताया गया। देयर आर फोर डिफरेंट मेजर डोमेन्स ऑफ द, चार टाइप्स की मेजर डोमेन्स होते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर, वातावरण, हाइड्रोस्फीयर, जलीय मंडल और बायोस्फीयर, जैव मंडल। सबसे पहली परत है लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। और ये परत कैसी है, सॉलिड है, ठोस है, कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स। इसमें क्या सम्मिलित होता है, जितने भी पत्थर से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, पत्थर से जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं वो सम्मिलित होता है। इट इज आल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द, यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में होता है। इट इज, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। इट एक्सटेंड्स ओवर द कंटिनेंट्स एज वेल एज द ओशन बेसिन। ये कहाँ तक की फैल, ये महाद्वीपों में और ओशन बेसिन, महासागरों के उद्गम क्षेत्रों में फैला। अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद वाटर। 71 पूरे लिथोस्फीयर का जो 71% है, ये किसे कवर्ड, किसे ढका हुआ होता है, पानी से घिरा हुआ है। द रिमेनिंग जो बाकी 29 जो बचता है वो ऑक्यूपाइड बाई लैंड मतलब जमीन के द्वारा ही घिरा हुआ है। द टॉप मोस्ट सर्फेस ऑफ द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर यूजबल टू अस। टॉप मोस्ट सबसे ऊपरी परत जो है लिथोस्फीयर की,
वो अलग अलग उसमें अलग अलग विभिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ों से निर्मित होती है, जैसे कि पत्थर से और उसमें कुछ खनिज पदार्थ मिले हुए थे जो कि बहुत ही यूजफुल है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। लिथोस्फेयर आल्सो प्रोवाइड अस विद लैंड फॉर वेरियस यूजेस एंड सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। लिथोस्फेयर का मेन यूज जो होता है वो अलग 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 यूजेस में तो होता ही है, और इसका एग्रीकल्चर में बहुत ही मेन यूज होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में से होता है जली मंडल। दूसरी परत आएगी आपकी, पृथ्वी की दूसरी परत है जली मंडल। द हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जितना भी जितने पानी के जितने भी रूप दिखाए जाते हैं वो सब इन सब से निर्मित होता है। द ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, वाटरफॉल्स, वाटर वेपर, ग्लेशियर्स, आइस एंड स्नो आर ऑल पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के सारे पार्ट्स कौन से? महासागर, सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, जलप्रपात हैं, जलवाष्प हैं, और हिमखंड हैं, और बर्फ है। ये सभी जली मंडल के पार्ट्स हैं, मतलब जली मंडल के भाग हैं। द रिवर्स एंड द ओशंस आर सोर्सेज ऑफ फूड एंड मिनरल। जो नदियाँ होती हैं और जो महासागर जो होते हैं वो फूड और भोजन और खनिज पदार्थों का मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है। एंड आल्सो अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑन देयर सरफेस। और ये सतह पर एक दूसरे से मिलती हुई चली जाती है। बिसाइड्स वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर इज, हमारी डेली की लाइफ में वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक, हम डोमेस्टिक यूज में घरेलू यूजेस में भी पानी की आवश्यकता होती है, पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स के लिए अपनी फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एंड इंडस्ट्रीज नीड वाटर फॉर मैन, और जो उद्योग धंधों का निर्माण किया जाता है उसमें भी पानी की मुख्य आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरी परत आएगी आपकी एटमॉस्फेयर। द वर्ड एटमॉस्फेयर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम्स विच मीन्स वेपर्स एंड स्फेरिया विच मीन्स स्फेयर। इस वर्ड का मतलब है एटमॉस्फेयर, जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक शब्द है एटमॉस विच मीन्स, उसका मीन्स होता है वाष्प, वेपर्स में। एंड स्फेरा मीन्स स्फेयर, स्फेयर मीन्स होता है गोलाकृति। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हवा की सबसे पतली परत होती है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर घिरी होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और ये कई गैसों का मिश्रण होती है। एंड सराउंड द अर्थ लाइक अ थिन ब्लैंकेट, इसीलिए इसे जो नहीं है हम क्या कहते हैं, हवा का पतला चादर या हवा का पतला कंबल, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। यह क्या करता है, जो कुछ हानिकारक सोलर विकिरण होती हैं, सन से जो सोलर किरणें सोलर विकिरण आती हैं उनको रोकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनको रोकता है या हीट को कम करता है। अब आया आपका फोर्थ, जो होगा फोर्थ लेयर जो होगी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किस होता है? जैव मंडल। द टर्म बायोस्फीयर आर डिफाइंड बाय द डिक्शनरीज इज द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इनहैबिटेड बाय लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर जो सब दिया गया है वो ग्रीक बायोस, बायोस मीन्स होता है लाइफ, और स्फेरा मीन्स स्फीयर, मतलब जो जैव मंडल में जितनी भी और जितने भी ऑर्गेनिक सूक्ष्म जीव बनाए गए वो जैव मंडल में बनाए गए हैं। द लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, जितने भी अर्थ पे जितने भी प्लैनेट हैं या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये सब जैव मंडल में बनाए गए हैं। बायोस्फीयर के रिजर्व्स इंडिया में क्या क्या किया गया है वो बताया गया। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 18 डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द कंट्री। जो हमारी भारत सरकार ने 18 डिफरेंट बायोस्फीयर जैव मंडल रिजर्व्स बनाए हैं भारत में। ऑफ दीस 10 आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, उसमें से संसार में 10 ही भाग अब बचे हुए हैं। सेट अप अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम,
इस तरह से बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया जाता है, यूनेस्को मैन ने चलाया था। नॉट ओनली आर एनिमल्स प्रोटेक्टेड इन द बायोस्फीयर, में केवल एनिमल्स को ही सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, इसमें रिजर्व किया जा सकता है, रिजर्व ऑफ आवर कंट्री बट द नेचुरल लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिया, इसमें कुछ संकट ग्रस्त जो प्रजातियाँ होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, इस टाइप्स के बताया गया कि इसमें किस तरह से बायोस्फीयर को कंजर्व किया गया है। टू कंजर्व द डायवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन द नेचुरल इकोसिस्टम, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में है वो प्लांट्स या एनिमल्स की विभिन्नताओं को देखते हुए उसको कम किया गया है। टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, उनकी जातियों को सेफ किया गया है। ऑन विच देयर कॉन्टिन्यूइंग इवोल्यूशन डिपेंड, ये उनके पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करता है। ओके थैंक्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट आपका टॉपिक बचा है,